आप देख रहे हैं केमास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। ये दिखाते हैं आपको दिन भर की बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से। बता दें आपको, राजभर समाज के लोगों ने पहुंचे मनीषा राजभर के घर। बता दें आपको, गाजीपुर जिले के ग्राम डड़बल ब्लॉक सादात मनीषा राजभर के घर पर आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक के नवरसिया गांव के राजभर समाज के लोग मनीषा राजभर के घर जाकर आर्थिक रूप से सहयोग किए। देखिए यह रिपोर्ट। प्रशासन अगर सही ढंग से करता तो 3 घंटे के बाद पुलिस यहां पहुंचती। हम आपसे पूछता हूं कि 3 घंटे में पुलिस पहुंचती इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी? तो कहा जा रहा है कि अभी तो दोषी को जेल भेजा गया है। अगर दोषी को जेल भेजा जा रहा है, ठीक है, उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन मैं अगर उस टाइम में, अगर मान लीजिए एक आधी घंटे में अगर एक्सपायर कर जाती मनीषा, तो क्या प्रशासन उस बच्ची को जिला सकता था? इतना लेट हुआ, 3 घंटे के बाद यहाँ प्रशासन पहुँचा है। ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहिए पुलिस प्रशासन को? तो आप लोग यहाँ पर केस लिए उपस्थित हुए हैं? ये जो मैटर है लड़की का, मनीषा राजभर, ये समाज सेवा संगठन नवरसिया गांव से चलकर आया है यहाँ पर देखने के लिए, इसकी जांच करने, हकीकत क्या है। और यहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि बहुत दुर्दशा इस बच्ची के साथ किया गया है। और यह सोच है हमारे समाज की, ये सोच है और हमारे संगठन की ये सोच है, अगर इस ये कार्रवाई सही ढंग से नहीं की गई तो हम लोग आजमगढ़ को भी घेरेंगे और लखनऊ के भी घेरेंगे। अगर बिगड़ गया राजभर तो हम सत्ता में रहने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, कि हम पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं। चाहे किसी समाज की भी बेटी हो, उसके साथ इस तरह अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं, हमारा संगठन ये चाहता है, हमारा समाज चाहता है कि ऐसे लोगों की फांसी होनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम अनशन पर बैठेंगे। आजमगढ़ में बैठ सकते हैं, लखनऊ में भी हमारा संगठन बैठ सकता है। तो शासन प्रशासन कार्रवाई कर रही है ना इस पर? जी, अभी तो बंद किया गया है, अभी इसका शासन प्रशासन का देखिए। अभी हम लोग देख रहे हैं शासन प्रशासन इसके साथ क्या न्याय लेते हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे ना क्या होता है आगे। आप लोगों की क्या मानसिकता है और यहाँ पर किस तरह से क्या चाहते हैं कि आगे चल के कैसी नहीं था हो? और यहाँ पे शासन प्रशासन की ढिलाई है। हाँ, यहाँ पर शासन प्रशासन की ढिलाई है। और शासन प्रशासन और बड़े धरना प्रदर्शन हम लोग किए, तब शासन प्रशासन आया और एक घंटा बजा करके, 2 घंटे के बाद तो 3 घंटे बाद तो जा करके यहाँ गाड़ी आई है, 100 नंबर या 112 नंबर कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था की यहाँ बिल्कुल है नहीं। जो कमियाँ है ये सब, ये हम चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं इसको मजबूत करें। यदि मजबूत नहीं करेंगे तो समाज बिगड़ गया तो भाई बहुत दिक्कत होगी। और इस तरह का आंदोलन हम लोग जारी कर देंगे। और मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हैं, मोदी जी की आवाज़ है तो ये मोदी बचाओ और पढ़ाने में अब देख लीजिए क्या दुर्दशा हो रही है। ये भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम लोग उतरेंगे मैदान में। जो मनीषा राजभर के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, जो दोषी पाया गया है, उसको तो अभी जेल भेजा गया है? हाँ, जेल भेजा गया है साहब। अच्छा अच्छा हाँ, उसमें अभी कोई परिवर्तन या कोई किस्म की बात नहीं मीडिया से या कोई अखबार में किसी तरह का दिया नहीं जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उसको फांसी हुआ, ऐसे लोगों को, चाहे किसी समाज का लोग के हों।